आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इंसाफ चाहिए हमें, फांसी की सजा चाहिए इनकी तीनों की। दिल्ली में कई ऐसी वारदातें देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली अपडेट। इस वक्त मैं संगम विहार में मौजूद हूँ जहाँ कुछ दिन पहले ही एक दोस्त ही अपने दोस्त को मरवा देता। जी हाँ, मेरे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? निसार खान। ये इरफान के संग क्या हुआ था उस दिन, किस तरह टाइम पे गया था और क्या पूरा बात? काम करके आया था 5 बजे। अच्छा। खाना खाया के से दोस्त ने फोन करा है कि चला गया वह छोड़ के। अच्छा। वहाँ जाके 3 बंदे हैं तो उसमें उसे चाकू मार के 2 बार लब्स के लात मारी है। अच्छा। हाँ जी, उसकी फिर वहाँ से उठा के लाए तो उसके बुलेट बहुत बह गया था। फिर यहाँ से ले आए, इधर लाए, फिर वहाँ से ले गए, ऑटो ढूंढ रहे, ऑटो वाले जा नहीं रहे थे अभी। फिर दूसरा ऑटो वाले जान वाला मिला, वो ऑटो लेके गया तो रास्ते में जाके तो अपने भाई को बताया, गुलफाम को, कि किसने मारा है, कि निराले ने मारा है। कम भाई अजय है, आरिस, इन तीनों ने मारा है। हाँ, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे रास्ते में? ये सफदरगंज में गए थे एमरजेंसी में। हाँ, नेपसराय थाना। तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? सुनवाई कर रही है। अच्छा। हाँ, उन्हें दिया है कि हाँ पकड़े गए। अच्छा। अभी 2 बंदे मौजूद दिखाए हैं अभी। अच्छा। अभी तीसरा तो अभी दिखाया नहीं है, जैसे अब पता नहीं बंद कर रखा कमरे में, किसी में होगा, अलग अलग होंगे सारे। इरफान के पिता है? हाँ, पिता तो है। पहले कभी कुछ बताया है इरफान ने कि ऐसी कुछ बात चल रही हो? मुझे कुछ नहीं बताया, रंजिश हो ऐसे नहीं, कुछ नहीं बताया। जो निराला नाम था। हाँ, उसका दोस्त था उसका। सजा चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए हमें, समझे, फांसी की सजा चाहिए इनकी तीनों की। हाँ जी, पुलिस से इस तरह से आपने बोली है? पुलिस से नहीं बोली मैंने। इन्होंने ये बताया कि जो निराला था, जो मरवाने वालों में से 3 नाम इन्होंने लिए है, निराला था, उन्होंने ही कॉल करके घर से बाहर बुलाया था और आगे जाकर उसे चाकू से मारा गया था। जी हाँ, अब मेरे साथ उनकी बहन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? रुबीना। रुबीना, क्या हुआ था उस टाइम, आप घर पे ही रहे थे? जब घर पे नहीं थी तो कुछ बताया कि मामला कब वो घर से निकला था और कुछ पहले भी आपसी रंजिश थी इनकी? नहीं, मतलब दोस्ती थी, कोई वैसी बात नहीं थी, सब था, मतलब अच्छा खासा था, दोनों दोस्त थे, अच्छा खासा साथ खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। जब भी खाना वाना खाता था, कॉल आती थी, तुरंत ऐसे छोड़ के चला जाता था। हाँ, उसने अचानक ही बुलाया उस दिन, क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो हमें नहीं पता कि उसने क्या करा। उसने बुला के ऐसी मतलब थप्पड़ मारे, मेरे भाई ने भी मार दिया थप्पड़, बस उसने घुमा के उसका हाथ पकड़ के उसने चाकू निकाल के सीधा मार दिया निराले ने। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज आई है कुछ? हाँ, ऐसा पता चल रहा है? हाँ, है। तो कुछ दिन पहले वो कुछ परेशान लग रहा था ऐसा? नहीं नहीं, परेशान कुछ नहीं था, बस ये थी कि मतलब 10-11 दिन से उनकी बातचीत नहीं हो रही थी। अच्छा, बातचीत नहीं हो रही। पुलिस की तरफ से भी क्या कार्रवाई की? उनकी तरफ से अच्छी कार्रवाई चल रही है, अब आगे उनकी वो है कि वो क्या करते हैं। कितने पकड़े गए हैं अभी? अभी तो 2 ही पकड़े गए हैं। पकड़े गए निराले और हारिस। अच्छा, हारिस। अजय फरार है? अजय अभी फरार है, कह अभी है नहीं, पूरा कह नहीं। हाँ, तो परिवार वालों से कुछ बातें करता होगा कि कुछ परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई अच्छे खासे थे, मतलब अच्छे खासे बातचीत होते थे, कोई परेशानी थे। फोन में कॉल करके उसको बुलाया गया, फिर गया बस। वैसे हमेशा बुलाते थे लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब आज ऐसा बुला के मार देगा। पीड़ित परिवार जिनका कहना था कि अब जिन दोषियों ने हमारे बेटे को मारा है, अब उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि अब वही बात है कि किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया है, तो दुख की तो बात है ही। और इन सभी का ये कहना है कि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसको भी रोकथाम के लिए जल्द से जल्द सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट।